किस ग्रह के रूठने से क्या होता है? मित्रों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, या फिर जीवन में उनके ऐसी ऐसी परेशानियां आती हैं कि उनको जीवन में उन परेशानियों का कोई इलाज ही नहीं मिलता। मगर आपको बता दें ये सब तब होता है कि जब हमारा कोई ना कोई ग्रह रूठ जाता है। किस जातक के जीवन में कौन सा ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है, इसका निर्धारण उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के आधार पर किया जाता है। मित्रों, जीवन में घटने वाली हर शुभाशुभ घटनाओं के पीछे ग्रह नक्षत्र का योगदान होता है। आपको बता दें कि ग्रहों के सांकेतिक लक्षणों के माध्यम से शुभ अशुभ ग्रहों को जाना जा सकता है। जीवन में अनिष्ट फल देने वाले अनिष्टकारी ग्रहों का उपाय पूजा पाठ जप दान अनुष्ठान कर उस ग्रह के प्रकोप को शांत कर उस ग्रह को प्रसन्न किया जा सकता है। और अगर वो ग्रह प्रसन्न हो गया तो जीवन में इससे आप सुख शांति समृद्धि और प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। इन विभिन्न ग्रहों की अशुभ स्थिति पर क्या लक्षण प्राप्त होते हैं, आइए जानते हैं किस ग्रह के रूठने से आपको क्या क्या दिक्कत आती है। मगर उससे पहले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिख दें, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, इसमें पहला है सूर्य। जी हाँ मित्रों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य नाराज हैं तो चेहरे से तेज गायब हो जाएगा। आप जीवन में हमेशा थका हुआ और आलसी महसूस करते रहेंगे। हृदय के आसपास दर्द का अनुभव, अक्सर हृदय की धड़कन सामान्य से ज्यादा रहना या छोटी छोटी बातों से धड़कन बढ़ जाना, अगर ये लक्षण आपके जीवन में देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाइए आपको भगवान सूर्य को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। चंद्रमा। मित्रों, अगर आपका चंद्रमा खराब है तो मन अक्सर दुखी या निराश रहता है। छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है। मानसिक रूप से अक्सर यह हमेशा बेचैनी महसूस करते रहते हैं। अंधेरे से भय लगता है। पूर्णिमा या अमावस्या को मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है। जो कार्य आप करते हैं उसमें मन नहीं लगता या पर्याप्त मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। प्रियजनों के साथ न चाहते हुए भी अनबन होना सर्दी जुकाम की समस्या पीछा नहीं छोड़ रही है। अगर ये सब लक्षण आपको अपने जीवन में दिख रहा है तो ये मान लेना चाहिए कि आपका चंद्रमा अशुभ है। मंगल। मित्रों, अगर कुंडली में मंगल ग्रह के खराब होने पर आंखों में अक्सर कोई दिक्कत बनी रहती है, जोड़ों में दर्द का होना, खून की कमी होना, टाइफाइड या पीलिया जैसे रोग होना, प्रक्रम या उत्साह की कमी होना, वाणी से कर्कश होना, ना चाहते हुए भी किसी को बुरा भला कह देना और बाद में पछताना, ये सारे लक्षण मंगल ग्रह के खराब होने के संकेत है। बुध। मित्रों, बुध ग्रह खराब होने पर व्यक्ति का हकलाकर बोलना, बार बार हिचकियां आना या किसी भी प्रकार की वाणिज्य से जुड़ी समस्या, पड़ोसियों से कले रहना, नर्वस सिस्टम का कमजोर पड़ना, दिमाग अक्सर भ्रमित रहना, इन लक्षणों के दिखने पर समझ जाना चाहिए कि जीवन में बुध ग्रह उदास है। बृहस्पति। मित्रों, बृहस्पति ग्रह अर्थात गुरु के खराब होने पर बेवजह अपयश मिलना अर्थात किसी और का दोष अपने सिर पर आना, स्वास्थ्य दोष का शिकार होना, धन की चोरी होना, प्रेम में असफल होना, बुरे सपने आना, मंगल कार्यों में विघ्न आना, आवेश ऊर्जा की कमी होना, ये सब बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने के लक्षण हैं। इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत ही बृहस्पति ग्रह को मनाने के उपाय शुरू कर देने चाहिए। शुक्र ग्रह। मित्रों, अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो त्वचा रोग से बार बार पीड़ित होना, पराई औरत की कामना करना, गुप्त रोग से पीड़ित होना, कर्जे में डूबे रहना, खूब परिश्रम करने के बावजूद आर्थिक लाभ न होना, यह सारे लक्षण दिखने पर शुक्र ग्रह को खुश करने के उपाय करने चाहिए। शनि ग्रह। मित्रों, कुंडली में शनि ग्रह का दोष होने पर रोजगार में हानि होना, समाज में मान सम्मान में हानि, अचानक किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आना तथा लंबे समय तक ठीक नहीं होना, दुर्घटना होना, अपने कार्यस्थल पर दूसरे कर्मचारियों से मतभेद होना, हर कार्य विलंब से होना,
ये सारे लक्षण दिखने पर अविलंब शनि महाराज को खुश करने के उपाय करने चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है। अगर समय में इसका उपाय ना किया जाए तो कोई बड़ी क्षति झेलनी पड़ सकती है। राहु, मित्रों, अगर आपके जीवन में राहु कमजोर है तो आपको अनिद्रा से परेशानी, किसी भी कार्य को करने में अरुचि, रोजगार में हानि, बुरे सपने आना, खासकर सांपों के स्वपन बार बार आना, परिवार के सदस्यों से बेवजह मतभेद होना, अपने से कमजोर दुश्मनों का भी आपके ऊपर हावी होना, ये सारे लक्षण अगर देखें तो समझ जाना चाहिए कि कुंडली में राहु दोष शुरू हो गया है। केतु, मित्रों, व्यवसाय में अचानक बहुत भारी नुकसान होना, कर्ज से डूबते जाना, लड़ाई झगड़े से हमेशा परेशान रहना, आग के कारण आर्थिक क्षति जैसे दुकान में आग लगना या घर में आग लगना, भाइयों से या माता पिता से मतभेद हो जाना, ये सभी लक्षण केतु के अशुभ होने के संकेत हैं। इस तरह के लक्षण दिखे तो केतु के दोष का निवारण का उपाय अवश्य करें। तो मित्रों, ये थे वो जीवन के संकेत जो इनमें से किसी भी ग्रह को रूठने के बाद आपको मिल सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।